नमस्कार ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं शिवांगी। ऑल द टॉक्स जो मैंने सुनी थी ब्रह्म कुमारीज के स्पीकर्स के थ्रू और पुरियों के थ्रू, एंड आई सेड टू माय सेल्फ कि सदा रहता तू ये सब सुन रहा है तो उससे प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, सो दैट्स रियली नॉट वर्थ एनीथिंग। ब्रह्म कुमारीज के ई कॉन्फ्रेंस में एक्टर और मॉडल सिद्धार्थ शुक्ला समेत प्रसिद्ध वक्ताओं ने युवाओं को दी सुंदर प्रेरणाएं। युवा प्रभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन का सफलतापूर्वक हुआ समापन। बेंगलुरु, हैदराबाद समेत अनेक स्थानों पर ऑनलाइन के जरिए लोगों में आत्मबल भरने का प्रयास। विपरीत परिस्थितियों में मन को शांत व खुश रहने के बताए उपाय। एक नजर में देखेंगे आज हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में ब्रह्म कुमारीज के साथ गणमान्य लोगों ने किया पौधारोपण। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ मन और वातावरण की स्वच्छता का दिया संदेश। और स्ट्रेस इज अवर च्वाइस विषय पर वॉशिंगटन डीसी स्थित मेडिटेशन म्यूजियम के निदेशक बीके डॉक्टर जेना का मुख्य संबोधन, तो कैलिफोर्निया में भी कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा आयोजित ई कॉन्फ्रेंस के पिछले दो सत्रों में बदलाव पर लोगों को गहराई से बताया गया कि जीवन में परिवर्तन क्यों आवश्यक है, हम चुनौतियों का सामना कैसे करें और अपने जीवन में परिवर्तन की यात्रा में सफलता पूर्वक आगे कैसे बढ़ें। क्योंकि परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है खुद को पहचान लेना, क्योंकि जो अपनी आंतरिक क्षमताओं और विशेषताओं को जान लेता है उसके लिए परिवर्तन करना सहज हो जाता है। इसीलिए सम्मेलन के अंतिम सत्र में इमर्जिंग द न्यू मी विषय को चुना गया, जिसमें एक्टर एंड मॉडल सिद्धार्थ शुक्ला और विशाल जेठवा समेत कई प्रसिद्ध लोगों ने युवाओं को अपने सुंदर अनुभवों से बताया कि अच्छी बातों को सुनना ही नहीं बल्कि उसे जीवन में धारण करने से हम सफल बन सकते हैं। अभी कुछ वक्त पहले मैं एक शॉप में गया था और एक इंसिडेंट हुआ उससे और मुझे एकदम से कुछ बात से ठेस पहुंच गई और मेरी ईगो हर्ट हो गई और इसीलिए मेरी थोड़ी कहा सुनी होगी वहां से और मैं उस दुकान से निकल कर आ गया। जब मैं घर पे आया और मैं बैठा था और अपने आप से मैं बात कर रहा था, तब मैंने रियलाइज किया कि ये सब तुमने क्यों किया। जस्ट बिकॉज यू फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड, यू फेल्ट दैट यू वर क्वेश्चन्ड और व्हाट इज दैट, दैट इज जस्ट ईगो। एंड जब आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, इतने लोगों से लोगों की अच्छी बातें सुनते हैं, तो आपको उससे ही तो काटना है। अगर आप उसे प्रैक्टिस में नहीं ला पा रहे हैं तो फायदा क्या है। मैं अपने घर से निकला, फिर से उस शॉप में गया और मैंने उस आदमी से माफी मांगी, उससे सॉरी कहा और एंड आई लेट इट गो। एंड मैं सिर्फ इसीलिए गया ताकि मैं अपनी ईगो को मार सकूँ और दिस वॉज अ बिट ऑफ प्रैक्टिस दैट आई परफॉर्म्ड, जो बातें मैंने सुनी उससे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सुने, ये सारी चीजें आप ही प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लाएं और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। इमर्जिंग न्यू यू, इट मींस रिक्रिएटिंग योरसेल्फ, मेकिंग योरसेल्फ अ क्वालिटी पर्सन एंड अपडेटिंग योरसेल्फ। सो नॉट बाय योर क्लोथ्स बट बाय योर थॉट्स, हमारी सोच से एक नया इंसान बनना। अगर कोई तुम्हें कुछ भी कहे, या इफ समवन ड्रॉप्स यू डाउन, लाइक तुम्हें नीचे खींचे, दो मिनट के लिए रुको, चाहे रो पांच दिन के लिए, फिर सांसें अंदर लो एंड लेट्स बिगिन द फाइट अगेन। फाइट इन अ गुड वे, फाइट इन द राइट वे, बिकॉज यू वॉन्ट टू फुलफिल योर ड्रीम। मेरे युवाओं से यही निवेदन है कि कभी हार से डर मत जाना, कभी रुकना मत, बस प्रयास करते रहना। आपको एक ना एक दिन जरूर, वो जो मेहनत कर रहे हो उसके एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। अभी हम अन्य वक्ताओं से भी सुनेंगे उनके विचार, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये मधुर गीत जो कि बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर हरीश मोयल ने प्रस्तुत किया। जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है
साथ, मेरे बाबा है साथ। प्रोग्रेस के लिए, नए ढंग से जीने के लिए दूसरों को नहीं देखो, टाइम को नहीं देखो, परिस्थितियों को नहीं देखो, रुकावटों को नहीं देखो, बस नया विजन है रोज करते चलो और नए विजन के साथ चलते चलो। मेरा अनुभव है हम जीवन में जो चाहेंगे, जो सोचेंगे वो होता जाएगा। Have a conversation with your conscience. Give yourself the space to be. Because only then will what is real inside you emerge. Because in our lives, we don't want to be copies of anybody else. We want to be authentic diamonds. And so no matter what the situation you may be going through, no matter how much pressure you may be experiencing, ask yourself the question in all of that, what do I want? And what do I have to give here? युवा प्रभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन का ये सेशन अंतिम था, लेकिन काफी अनुभवों और प्रेरणाओं से भरा हुआ था। मैंने खुद मेरे पर्सनल लाइफ में ये टाइम का बहुत ज्यादा उपयोग किया है टू डिस्कनेक्ट विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं काफी ज्यादा डिस्कनेक्ट हो गया हूँ जो चीजें शायद जरूरी नहीं थी मेरी लाइफ में, पर मैं ऐसी चीजों के साथ कनेक्ट हो गया हूँ जिसको मुझे लगता है कि मेरे फ्यूचर में काफी ज्यादा उपयोग होगा। इस ज्ञान के द्वारे मैं अपने परिवार से और भी अधिक निकट पाता हूँ। विचारों में मतभेद हुए भी हो पर किसी भी प्रकार की नाराजगी और मनमुटाव नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं एक ही सिक्के का दूसरा पहलू देखने में समर्थ हुआ हूँ। आज दुनिया में जो खराब हालात हैं, उसे ठीक करना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाँ, हम सभी इतना जरूर कर सकते हैं कि स्वयं को उन बातों के प्रभाव में आने से बचा सकें, स्वयं को नकारात्मक, कमजोर और दुखी होने से रोक सकें। ऐसी तमाम बातों की जानकारी देने व लोगों को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने की प्रेरणा देने के लक्ष्य के साथ बेंगलुरु सिटी सब जोन की निदेशिका बीके पद्मा के निर्देशन में बीइंग पॉजिटिव नो मैटर कोरोना विषय पर ऑनलाइन सेशन आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका और इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट बीके डॉक्टर सुनीता ने मुख्य रूप से अपना संबोधन दिया। पॉजिटिविटी को मुझे बढ़ाते रहना है, नेगेटिव अपनी शक्ति से बढ़ती जाएगी पर उसकी शक्ति शून्य है, उसकी शक्ति में कोई दम नहीं है, ये याद रखें आप। शक्ति अगर है तो वो पॉजिटिविटी में, हमारे अंदर की पॉजिटिविटी में, तो और हमें पॉजिटिव बढ़ाना है। अगर हमको दिखाई दे रहा है कि वो दृश्य नेगेटिव से बढ़ रहा है, हमें अपनी पॉजिटिविटी को और बढ़ाना है, उसको गिव अप नहीं करना है। अगली खबर हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर से है, जिनके द्वारा ऑनलाइन रिफ्रेशिंग संडे इवनिंग टॉक का आयोजन कर फीलिंग गुड विषय पर खास तौर पर चर्चा की गई। इस विषय पर गहराई से बात करने के लिए मुंबई से कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके डॉक्टर सचिन परब उपस्थित रहे और उन्होंने स्वयं को अच्छा महसूस करने के कई टिप्स बताए। सेशन के अंत में बीके डॉक्टर सचिन ने राज्यों का अभ्यास कराया, जिससे लोगों ने सुख की और आंतरिक खुशी की अनुभूति की। मन की खुशी का, शांति का हमारे जीवन में क्या असर होता है, इसके बारे में हैदराबाद के साइकोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल ट्रेनर बीके रामाकृष्णा ने सिक्योरिटी पर्सनल्स को एक सेशन के दौरान बताया। ये स्पेशल सेशन सुरक्षा सेवा प्रभाग के द्वारा मास्टरिंग द माइंड इन क्रिटिकल सिचुएशंस विषय पर आयोजित किया गया था, जिसमें बीके रामाकृष्णा मुख्य वक्ता रहे। जो हमारे संकल्प चलते हैं वही साकार रूप में बाह्य जगत में तैयार हो जाता है। अगर हमारे मन के संकल्प दृढ़ है तो किसी भी चुनौती को हम या किसी भी चैलेंज को हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह मुंबई किंग सर्कल लायनेस क्लब के द्वारा वेलनेस बाय विल पावर विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन कर राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता को मेन स्पीकर के तौर पर आमंत्रित किया गया, जिसमें बीके गीता ने सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए अपनी दिनचर्या, खुशी, स्वभाव व संस्कार परिवर्तन जैसे विषयों पर ध्यान खिंचवाया। इसके साथ ही आध्यात्मिक विटामिन ए बी सी डी ई का अर्थ भी बताया। अगर मुकाबला करते हैं
तो ये वायरस ही नहीं, जिंदगी की और भी कोई भी समस्या हम आसानी से पार कर लेंगे। जरूरत है अंदर से इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी, और उससे भी आगे हमारी इमोशनल इम्यूनिटी को बरकरार रखना। इस वेबिनार का क्लब की सभी महिला सदस्यों ने लाभ लिया और आयोजकों ने बीके गीता का आभार मानते हुए उनकी बातों को जीवन में अपनाने की सहमति जताई। अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों की ओर रुख करने से पहले देखते हैं कुछ खबरें एक नजर में। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ सेवा केंद्र के द्वारा 2 दिवसीय पौधारोपण का आयोजन। विधायक मुल्क राज प्रेमी, जिला वन अधिकारी तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलक्षणा समेत अनेक बीके सदस्यों ने अलग अलग स्थानों पर लगाए 500 पौधे। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ मन और वातावरण की स्वच्छता का दिया संदेश। यदि प्रकृति का हम संरक्षण करते हैं तो बदले में प्रकृति हमारे जीवन को बनाए रखती है। इसी संदेश के साथ महाराष्ट्र में परभणी जिले के पूर्णा सेवा केंद्र के द्वारा कई प्रकार के लगाए गए पौधे, डॉक्टर इंगोले और जर्नलिस्ट जोंगदर समेत अनेक बीके सदस्य रहे मौजूद। ग्रीन इंडिया गोल्डन इंडिया अभियान के अंतर्गत सम्पन्न। महाराष्ट्र में उमरेड के कुही उप सेवा केंद्र के द्वारा 50 सफाई कर्मियों को ईश्वरी संदेश देने के साथ भोजन भी किया गया वितरित। नगर परिषद सेविका अर्चना हार्डे ने बीके सदस्यों का माना आभार। बीके ज्योति, बीके गंगा, बीके शांताराम समेत अनेक सदस्यों का रहा योगदान। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। वॉशिंगटन डीसी स्थित मेडिटेशन म्यूजियम के निदेशक बीके डॉक्टर जेना स्पिरिचुअल वैक्सीन सीरीज के अंतर्गत लगातार उन मुद्दों पर चर्चा करती रहती हैं जो लोगों की जिंदगी में खास मायने रखती हैं, जो स्वस्थ, खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन के लिए जरूरी है। इस बार के सेशन में स्ट्रेस इज अवर च्वाइस विषय पर बीके जेना ने जोर दिया और बताया कि तनाव के लक्षण यानी तनाव का हमारे विचार, व्यवहार, हमारी फीलिंग्स और शारीरिक तौर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही तनाव मुक्त बनने के कुछ व्यवहारिक उपाय बताते हुए अभ्यास भी कराया। I, the living soul, am constant, complete, and I'm caring. And my deepest nature is of peace. The longer that I hold on to the silence and the stillness, the more calm and centered. दुनिया भर में जानलेवा साबित हुए कोरोना वायरस ने लोगों की जिंदगी को उथल पुथल करके रख दिया है। ऐसे में लोगों में लगातार बढ़ते तनाव और समस्याओं को देखते हुए ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा लंदन में न्यू सीरीज प्रोग्राम के अंतर्गत 21 मास्टर क्लासेस चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम की फिलिपा ब्लैकहैम ने संस्थान से जुड़े कई विद्वानों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी। इसी सीरीज के दौरान फिलिपा ब्लैकहैम ने डॉक्टर लुइस बेमल से बातचीत की और हेल्थ एंड वेलबींग विषय से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे। उनके जीवन में अध्यात्म का क्या रोल रहा उस पर भी बात की। How would you guide them and support them in finding new ways to replace that same feeling that they got from their job? We don't know what is our life purpose. We don't take time to look at it and so we start identifying ourselves with different things which come along the way. And the more it's a job or, you know, a function or a position. कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो सेवा केंद्र के द्वारा मास्टरिंग अवर फीलिंग्स एंड इमोशंस विषय के अंतर्गत कई टॉपिक्स पर प्रख्यात वक्ताओं के साथ ऑनलाइन कन्वर्सेशंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी स्वामीनाथन से ग्रेटिट्यूड द ग्रैंड एटीट्यूड विषय पर श्वेतांग अग्रवाल ने कन्वर्सेशन किया। साथ ही अन्य स्पीकर्स ने भी सब्जेक्ट पर बात करते हुए योगाभ्यास कराया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।